द पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947 इस दी हर साल एक कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त नू कोट साहब ने ए बड़ा चंगा काम शुरू किया है कि इनू मिथ्या है और हर साल इहदे उत्ते गलबात होवे और जड़ा है पास दियां जड़ियां गलतियां सन उन्हां नू सामने रख के पंजाब दी जड़ी नवी जनरेशन है वो रीविजिट करे और रीवैम करे अपने फ्यूचर में। जदों भी 47 दी वंड दा जदों इहदी गल आउंदी है तो मोस्टली जिहड़ा लोग वो एक अमृता प्रीतम दीआं लाइनस ने वो शेयर करते हैं कि अज आखां वारस शाह नूं कितों कब्रां विच्चों बोल फिर किताब इश्क दा कोई नवां वरका फरोल एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैण अज लखां तीआं रोंदियां तैनूं वारस शाह नूं कहण। फिर अगे चल के एक लाइन दे विच कहिंदी है कि किसी ने पंजां पाणियां विच दित्ती जहर रला। इत्थे आ के मैं सोचदा कि ये जिहड़े साडे सोजवान लिखारी अमृता मेरे सामने हुंदी ना मैं उन्हूं पुछदा कि बीबी एक किसे तुसीं अज तीं कोई किसे नूं लभ ही नहीं सके। हालांकि जे गौर करो तो वो जिहड़ा लुधियानवी है जिन्हें तेरे ते सहर तारी कीता वो जिहड़ी बोली वरत रहा है और जिहड़े लोग जिन्हां नूं अपीज कर रहा है जिन्हां कोलों बड़ा ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ आ ਉਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾਇਆ ਉਹ TNT ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਟਰਮਸ ਕਹਾਂਗੇ ਟ੍ਰਾਈਨਾਈਟ੍ਰੋਟੋਲੀਨ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਾਕਟਰਾਈਨਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਜੁਰਿਸਪਰੂਡੈਂਸ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁੰਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬ ਉਮਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਰਟੀ। ਜਮਾਤ ਔਰ ਉਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਜਿੱਦਾਂ
ज्यूज जड़े सन बनी इसराइल जड़े सन उन्होंने जड़े अंबिया कराम आए उन्होंने उन्होंने कौम का करके एड्रैस किया गया स्पैसीफिकली। तो जब असी ये गल समझते हैं तो ये गल साढ़े ते क्लियर हो जाती है कि ये जड़ा जड़ा ये डॉगमा ये प्रेजेंट किया गया वो भी कुरान और जड़ा हदीस है उस दे अपोजिट सी उदे उल्ट सी। कुरान और हदीस जड़ी है इस किस्म की कोई शायद जड़ी है उन्हों पेश नहीं कर दी। बहरहाल इदे ते फर्दर जड़ी स्टडी करके और चीज़ा जड़ा उन्हों का नितारा किया जा सकता है। अच्छा हुण आईडीए तो बाद असी गल करते हैं पेशकेन किया तो मुताला पाकिस्तान चक के देख लो क्लेम्स देख लो सारे यूपी दे लोग सन और उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात के तौर पर परसनैलिटीज़ के तौर पर पेंट किया जाता। फिर असी अगे चल के देखते हाँ कि पंजाब की जी पलूरलिस्टिक सोसाइटी सी जिदे सारिया कम्यूनिटीज़ जड़िया सन वो किसी मेजर डिफरेंस तो बगैर चंगे पले रह रहे सन। इस तरह ही सिंध सी इस तरह ही बाकी जड़िया मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट सन इन हारमनी सी चाहे वह बलोच सन चाहे वह सिंधी सन चाहे वह पश्तून सन तो कित भी इस किस्म की कोई शायद जी है व्डे लैवल से जिस तरह इनू बाद किया गया या हूँ तक हो रहा है वो नहीं नहीं होया उस तरह की शायद जी है हेटड नहीं सी। तो इस करके सानू देखना है कि ये किना ने इनू अगे पंजाब दे विच असी पंजाब दी गल करते हैं तो पंजाब दे विच किना ने इनू इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि इत्थे तो यूनियनिस्ट जड़े सन वो रूल कर रहे सन और पंजाब दे विच जड़ा आखिरी वोटिंग दे विच मुस्लिम लीग यूनियनिस्ट दे जड़े इलेक्टेबल्स ने उन्हां नू तोड़िया गया वो तोड़न वाले यूपी दे बांके सन। कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 20,000 बांके जड़े ने सजाद जहीर और कुरतुल्लैन हैदर की कमांड दे विच ब्रिटिशर्स और USSR की जड़े जड़ा अलायंस बनया सी सैकेंड वर्ल्ड वार च इंस्ट्रक्शन की लो दे विच ब्रिटिशर्स की हैल्प दे नाल इत्थे पंजाब च कल्ले क्योंकि पंजाब दे विच रौला नहीं पै रहा सा कम्यूनल हेटड का कोई इस किस्म का रौला नहीं पै रहा सी। तो इस करके इन्हां बांकियां ने इत्थे आके फिर सिर्फ मुस्लिम कम्यूनिटी नूं फोकस करके शुरू कर दिता अपना काम और उहदे वास्ते जारी गल बड़े वैल ट्रेन सन कि किस तरीके नाल लुकाई दे विच जिहड़ा लोकां नूं मोबिलाइज़ किया जा सकता यानी वो जिहड़ा रिटोरिक सी उहनूं वरतना जाणदे सन और इस तरीके नाल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स नूं वरत के उन्होंने पंजाब दे विच जिहड़ा डायनामिट फिटिंग जिहड़ी है इत्थे पूरे पंजाब च कीती कम्यूनल हेटड दी। और उस तो बाद फिर असी अगे चल के देखते हैं कि जदों सारी अनाउंसमेंट्स हुंदियां ने और आल ऑफ अ सडन जिहड़ा है कहा जाता है कि जी पंजाब दी जिहड़ी वंड हो रही है और इस तरीके नाल ते फिर भी लोग जिहड़े बैठे सन वो नहीं उठ रहे सन। ते पिंडी दे विच फाटा तो लोग सद के पठान सद के इत्थे इन्हां ने जिहड़ा अग लाई और लोगों नूं टारगेट करके मारिया। तो जारी गल है फिर जो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होंदा तो उसका नतीजा की निकलता है। तो ये पंजाबी जड़े ने बाय एंड लार्ज उस तरीके नाल कसूरवार नहीं ने पिछे जड़े असल जड़े मास्टर माइंडस और ये जड़े आर्बिट्रेटर्स ने वो होर लोग ने। तो वेला आएगा कि वो फर्दर जड़ा साढ़े लोग जड़े ने साड़ी नवी जनरेशन जड़ी है वो पढ़ेगी और फिर एक जड़ी है सोच पुंगरेगी और उन लोगों नू जड़ा है फिक्स किया जाएगा। स्वाद की तो अफसोस की गल है वे कि वो लोग हले भी पंजाब च बैठे हैं यानी ये जड़ा टू नेशन थ्योरी है यदि यदा मुड एक दिन च नहीं रखा गया ये पिछे पंजाब दे विच उर्दू नू 1849 तो जो पंजाब नू इन्होंने आकूपाई किया है और पंजाब वो आखिरी अपना नेशन स्टेट सी
मॉडर्न नेशन स्टेट के वाले अगर गल करिए, यानी कि पठान सिंधी और बलोच तक काबू आ गए सन ब्रिटिशर्स दे, लेकिन पंजाब काबू नहीं आ रहा सी। ते फिर ब्रिटिशर्स ने जिहड़ी आखिरी चढ़ाई की थी और उहदे विच उन्होंने इत्थे आ के सारी ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी है वह यूपी दी ला दित्ती और उन्होंने एक रात दे विच पंजाब दी बोली बटा दित्ती। मेरा आखण दा मकसद है वे कि जदों तुसी एक ऑर्गेनिक बोली जिहड़ी 7000 साल पुराना जिहड़ा अपना बेस रखती है नून, उन्हूं तुसी एक रात दे विच पट के परा मार दे हो, सिर्फ अपने जिहड़े अनइम्पलॉयमेंट जिहड़ी है अपने इलाके दी उत्थे दे लोगां नूं इत्थे एडजस्ट करन वास्ते, तो वो जिहड़ी वो लोग ने उन्हां दे वास्ते तुसी जिहड़े इत्थे दे लोगों की कुरबानी दिंदे हो, और इत्थे दे लोग जिहड़े ने एक रात दे विच अनपढ़ हो जांदे ने, इत्थे दा लिटरेसी रेट 100% दे नेड़े सी, उह थल्ले जा के 0 ते हो जांदा है, मैं 0 ही कहांगा ना इहनूं। तो वो सोसाइटी दे विच फिर वो जिहड़ियां मेजर एकदम जिस तरह शॉक शॉकिंग एक ट्रॉमा जिहड़ा है वो उहदी सिचुएशन बन जाती है, और लोग लोगों नूं सुझदे नहीं कि की करिए, क्योंकि अगे जिहड़ा ऑफिसेज़ दे विच और हर लैवल दे उत्ते तुहानूं एक ऐसे लोगों नूं कन्फ्रंट करना पैंदा है, उन्हां नाल तुसीं इंटरैक्ट करदे हो जिहड़े तुहाडे सावां दे उत्ते कंट्रोल कीती बैठे हुंदे। मैं इहदी मिसाल इस तरह दांगा कि अगर अफगानिस्तान दे विच अगर सिविल और मिलटरी ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी है उत्थे सिंधी ला दित्ते जाण ते पठान शौक च नहीं चले जाणगे, और उत्थे दा उत्थे दी बोली भी जिहड़ी है सिंधी रख दित्ती जाए ते पठान सारे दे सारे अनपढ़ नहीं हो जाणगे, या अफगान जिहड़े ने पठाणा तों वख जिहड़े दरी बोलण वाले ने, ते उत्थे सिक्का किहदा चलेगा, सिंधी दा चलेगा या पठान दा चलेगा या अफगान दा चलेगा। पंजाब ना यही होया कि इत्थे उर्दू जड़ा है उन्हें ला दिता गया, फिर उर्दू ऐसी जुबान लाई गई जेड़ी जुबान ना रोटी रोजी दिंदी है ना इहदे विच मॉडर्न साइंसेज दा इलम है। इन्हें साड़ियां आने वाली जनरेशन नूं दौले शाह दे चूहे बना दिता, और इहदे नाल जड़ा जदों कोई मीडियम आंदा है तो उहदे नाल जड़ा लेटेंटली उहदे विच उस मीडियम दे विच उहदा जड़ा लिटरेचर और उहदे विच उस लिटरेचर दे नाल जिहड़े लिंक्ड चंगे बंदे जिहड़े उहदे करैक्टरिस्टिक्स उह आंदे ने। यूपी दा जड़ा वर्जन है इस्लाम दा उह या जड़ा रिलीजन दा जड़ा वर्जन है उह वर्णा ते डिपेंड करता, उत्ते लखां गॉड्स और गॉडसेस ने, तो जदों इस्लाम आया तो उहदे विच वी उन्होंने मसले की उही जिहड़ा सनातन धर्म जिहड़ा है उहदा उहदे विच सिंथेसिस है उहदे नाल अरेबियन कल्चर और अरेबियन ईथोस दे नाल परशियन प्लस टर्किश ये सारा रल के एक जिहड़ा है हलीम बनिया, और उस हलीम दे विच फिर देवबंद बरेली लखनऊ ये सारे इत्थे दे मदरसे जिहड़े ने जिहदे विच मौलवियां दीयां रोटियां रोजियां लग गईयां, लोगों नूं अपने मगर ला के लोगों नूं वंड के उन्होंने अपनी दुकानां चमकाईयां और लोग जिहड़े ने और सोसाइटी नूं फेनाटिक कीता, तां उह जदों बोली और उहदे नाल दा जिहड़ा वर्जन सी इत्थे पंजाब दे विच आना सी तां उहदा नतीजा की निकलना सी, उही नतीजा निकलना सी जिहड़ा निकल रिहा सिर्फ पंजाब च नहीं बल्कि पश्तूनख्वा दे विच या बलोचिस्तान जई जिहड़ी एक बड़ी सैकुलर और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है बलोचां दी, उहदे विच भी कुछ देर पहले एक टीचर नूं इस वक्त करके मार दिता गया कि उहदे ते ब्लास्फमी दे कोई चार्जिज ला के और उहदी ना उहदा प्रूफ कीता गया और कख नहीं कीता गया। मेरा आखण दा मकसद है वे कि ये जिहड़ी बोली लाई गई जिहड़ा साडा इत्थे दा गोरा साहब गया और इत्थे दे बाबू नूं बिठा गया साडे उत्ते यूपी दे, उन्हें जिहड़ी इत्थे बोली रिप्लेस कीती साडी जुबान नाल, उन्हें अपने वेस्टेड इंटरस्ट नूं सामने रख के कीती, और जिहदा जिहड़ा नतीजा असीं भुगत रहे हैं कि साडे बच्चे नूं अपनी माँ बोली जिहड़ी उहदे उत्ते शर्म है, साडियां जनरेशनज़ नूं शर्म सी हुण तक है, और एट द सेम टाइम आर किड्स आर नॉट गुड एट इंग्लिश,
पीपल इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंजाब इफ यू विजिट यू वुड फाइंड टीचर्स डिलीवरिंग लेक्चर्स आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस टीचर्स दे डिलीवर देयर लेक्चर्स इन उर्दू शरीफ नॉट टू स्पीक ऑफ द साइंस टीचर्स इवन द टीचर्स हु टीच इंग्लिश लिटरेचर आई हिलेरियसली वॉच देम यू नो spitting out Urdu Sharif almost in all their lectures by quoting some of the lines from the cramped literature book cramped lines from their literature book so this is quite funny ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਦੂ ਇਤਨੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੱਗੀ 7000 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ 150 200 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਏ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਬਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਨਡੂ ਕਰਨਾ ਉਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ 47 ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਰੌਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ UPITians ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਨ ਔਨ ਦਾ ਹੈਮ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਸਿੰਸ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਦੇ ਆਰ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ carrying on their divide and rule policy ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਵੰਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਡੋਗਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਬੰਕੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਠੂਠੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਬਨ ਛੱਬਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸੱਲ ਸਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸੂਰਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਂਥਰਾਪੋਲੋਜਿਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਕਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਂਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਂਕਿਆਂ ਨੇ 3 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਰਦਾਬੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਪਠਵਾਰੀ ਦਾ ਫਲਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਲਿੰਗ ਲੀਡ ਤਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਰ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ
पहले बांकिस जिस तरह अर्ज़ की पहले उन्होंने इतने साध लाए, उस तो बाद 47 दे विच जदों 2 मिलियन पंजाबी जड़े ने जिन्हां दी भाजड़ दा जड़ा जड़ी मिट्टी उड़दी सी जड़ी धूड़ उड़ी सी और जदों सैटल हो गई फिर बांके हाथ में लोटा मुँह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान दा खरामा जड़ा है चार्टर्ड फ्लाइटां ते बहरी जहाज़ां ते जड़ियां ट्रेनां दे विच जड़ियां ने वास्ते खसूसी ट्रेनां चलाईयां गई इतने सिंध और पंजाब दे विच खास तौर पर आके बैठ गए। सिंध नालों पंजाब घट नहीं ने, ये जड़ा हुण वख वख किस्म के जड़े ग्रुप्स बन के कहिंदे ने नहीं पंजाब च नहीं सन तां उत्थे फलां जगह सन तां फलां जगह नहीं सन। पंजाब दे विच रौला इसलिए नहीं पै रहा कि पंजाबी खुद सजदे विच है उर्दू दे, पंजाबी नूं जड़ा रियासती तौर पर पिछल पैरी नूं इहदे सामने पेश किया गया उर्दू नूं ਉਹ ਤਾਂ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੈਲ ਆਫ ਰੂਲਿੰਗ ਅਲੀਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਲੀਟੇਰੀਅਟਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ या डाउन ट्रॉडन क्लासेस जिहड़ियां ने जिहड़ियां एबजेक्ट पॉवर्टी रह रही ने उन्हां विचों होवे, उह सब ले और हर रीजन दा किसी भी रीजन दा होवे सब वास्ते उर्दू जिहड़ी है वह एक बड़ी सिविलाइज्ड और बड़ी एक जिहड़ी उह ज़ुबान कर बना के पेश की गई है कि यह होली लैंग्वेज है। इस पंजाबी नूं इस ट्रॉमा दे विचों अपने आप नूं कढ़ना पैना इस झूठ दे विचों। ते मैं लंबी गल कीती है, गल्लां बड़ियां ने कि असी इस ट्रॉमा चों निकलण वास्ते अपनी लैंग्वेज नूं अपनी माँ बोली नूं इंट्रोड्यूस होण दईए। इत्थे आइन कह रहा पाकिस्तान दा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि पंजाब च पंजाबी लगनी चाहीदी है, पंजाबी लगन तो उस तरीके ना लगनी चाहिए है, इतने डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए फेडरेशन दे विच किसी एक शख्स नाल। इतने 3 सूबे मां बोली पढ़ा रहे हैं, सिंध दे विच मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ऑफिसिस दे विच जिहड़ी वरती जाती है, पंजाब दे विच क्यों नहीं? मैं जिवें पहले आख्या इस ये डिटरमिन कौन करेगा, ये आइन करेगा, आइन दे विच कित्थों डिटरमिन किया गया? मैं पहले अर्ज़ करती कुरान हदीस तो डिटरमिन किया गया, क्योंकि आइन दे विच कहा गया है कि कोई भी ला जिहड़ा है वह कुरान हदीस की वायलेशन के उत्ते नहीं बनेगा। तो मां बोली इंसाना का फंडामेंटल इस्लामिक ह्यूमन राइट है, तो साडा आइनी राइट भी है। तो यू जिहड़ा है इत्थे लगन देण, अदालतों ने आर्डर किए ने, सुप्रीम कोर्ट ने किए ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उस तो बाद लाहौर हाई कोर्ट ने किए ने, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट जी वादा करके बैठे सन कि असी ला देंगे उस वास्ते बिल पास करांगे असेंबली तो लैजिस्लेशन होएगी। थानू पता की किया कुछ हफ्ते पहले चुप चुपी, तो जिस तरीके नाल एक बारी डंडी हिली सी, एक बारी डंडा हिलाया सी, तो सारिया पार्टियां ने एक्सटेंशन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नूं दे दित्ती, तो इक्को रात दे विच आर्डर आया और पंजाब असेंबली जिहड़ी है उन्हें उर्दू का बिल पास कर दिता। सुभान अल्लाह, यानी पंजाबी का अदालत सामने वादा किया कि बाकी सूबियां वांग आईनी जिहड़ी मंग है उहदे विच पंजाब च भी पंजाबी लगेगी, और किया कि एकदम जिहड़ा है उर्दू का बिल पास करके वह उन्हें बना दिता। और लाहौर दे विच चिड़ी नहीं चुकी, लोगों ने पंजाबी दे नां ते प्रोफेसरियां कीतियां, एक्टिविज़म कर रहे ने, अंदर उर्दू की सपोर्ट कर रहे ने और अवार्ड ले रहे ने, और कई जा रहे ने कहिंदे नहीं वो तो फैडरल गवर्नमेंट ने दिता है, इत्थे जिहड़ा प्रोविंशियल गवर्नमेंट झूठे निक्के निक्के बहाने कर रहे ने। हालांकि ये मौका है कि इस मौके दे उत्ते मज़ामत की जाए, मज़ामत की शक्ल की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मज़ामत की जाए, नॉन वायलेंट मज़ामत की जाए, लेजिटिमेट मज़ामत, वो मज़ामत की शक्ल है कि अवार्ड वापस किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब दे उत्ते जिहड़े रियासती जबर दियां शक्लां ने उन्हां नूं गिणा के किहड़ियां किहड़ियां शक्लां ने मैं दस दिंदा, पाकिस्तान दे विच और इंडिया दे विच
पंजाब जड़ा है वह रियासत के कागजा च नहीं, पंजाब और पंजाबी नहीं, गैब कर रहे ने, कंप्लीट एनाइलेशन हो रहा है। दोवां दा स्टाइल थोड़ा बहुत डिफरेंट होएगा लेकिन गोल एक ही है। जिहड़े जिहड़ियां हकीकी कौमां ने दोवां साइड्स ते उन्हां नूं मुकाना है, हिंदी उर्दू दी हेजमनी कायम रखनी है। UPCP जिहड़ी काओ बेल्ट है, इत्थे दे लोग बड़े बेरोज़गार ने, उन्हां नूं खपाना है ते उहदे वास्ते जिहड़ियां हकीकी कौमां ने उन्हां नूं उन्हां दी रेजिस्टेंस, क्योंकि अथरे लोग है ना उधर, तमिल ने, इधर बलोच ने, पहले बंगाली सन, तो उन्होंने उन्हों का मक्कू ठपना है। वो जो पंजाब है वह मेजर ऐसी स्टेट है कि जी अदो अद वंडी भी गई है और दोवें पासे और पंजाब दे विच स्पार्क है। वो स्पार्क शाह हुसैन का स्पार्क है, मेरी जान रंगे सो रंगे, मस्तक जिन्हां दे पई फकीरी भाग तिन्हां दे चंगे, कहे हुसैन फकीर निमाणा तख्त ना मिलते मंगे। उस पार्क जदों आ गया, बोली आ गई, तो इतने तो दुल्ला भट्टी जमेगा, इतने आमद खान खरल जमेगा, इतने जसरत खोखर जमेगा, जिहड़ा लुकाई दे राइट्स की गल करेगा। तो फिर बांके दा रूल तो गया ना। इस करके ये चाहते ने कि ये जड़ा पंजाबी ना लगे, पंजाब नू बोटी बोटी करके वंडी जाओ, पहले मज़हब के नाँ ते, फिर एथनीसिटी और लैंग्वेज के नाँ ते, और लोगों को समझ रहे ने बेवकूफ ने। यानी क्लासिक एक बाबे, एक जुबान, एक कह रहे नहीं वक्री वक्रो वक् जुबान है। बलोचा सिंधिया दे विच, पठाना दे विच ज़्यादा डाइवर्स एथनीसिटी और लिंग्विस्टिक जी डाइवर्सिटी ज़्यादा वध है। उधर इन्हां दी हिम्मत नहीं, उधरों डांग पैंदी है सिर च, लेकिन पंजाब दे बहाने उन्हां दे विच कुछ जिहड़े जिहड़े दो नंबर लोग ने उन्हां नूं इत्थे वाड़ के कह रहे हैं सिंधी बलोच जिहड़े ने सरायकी ने वह फलाना चाह रहे हैं, इस तरह ये फलाने ने, हर एक नूं बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तो पंजाब दे विच ये कह रहे हैं ज़्यादा बोलियां ने सारियां ला दो, लेकिन बोलियां लगनियां चाहीदियां ने, फंडामेंटल राइट है। तुसीं अपने अपने नाँ दिते ने, लाओ सारियां नूं, ये बच्चे का ऑप्शन छड़ दो जिहड़ा जिहड़ा जिन्हों पढ़ना चाहेगा, लेकिन फंडामेंटल राइट का तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। वह इनकार करने का मतलब है तुसी कॉन्स्टिट्यूशन का इनकार कर रहे हो, तुसी कुरान और हदीस का इनकार कर रहे हो। ये वंडा मुकड़ियाँ चाहिए ना, नैचुरल जिहड़ी मैं कहना वंडा दी जिहड़ियां एक्सप्लाइटर्स करते हैं, एक नैचुरल वंड हुंदी है उन्हूं असी कहांगे वो डिवीजन नहीं, वो डायवर्सिटी है, वो ब्यूटी है, वो लाइफ वास्ते जरूरी है। रब वास्ते मुश्किल नहीं सी कि इको रंग बना देंदा सारी कायनात दा, इको ही मौसम रख देंदा। ये जड़ा असी क्रीचर ह्यूमन बीइंग है, इहदी जिहड़ी कंस्ट्रक्ट है, इहदा जड़ा साइकी है, उहनूं वेखदे होइआं मदर नेचर ने, मैं रब दा नाम लै रहा, साइंटिफिक टर्म्स असी मदर नेचर कह दें कि मदर नेचर ने ये इस तरह रख्या है कि वन सवन जड़ी है, पंजाबी कहांगे वन सवन जड़ी है, ये विच ही जिंदगी है। तो इस करके रब दा वास्ता ये वंड वंड खेलना छड़ो। पंजाब ते लश्कर किसी कर दिती है, पंजाबी बाहर दे टारगेट हो ही रहा सी। मैं बलोच और सिंधी की भी गल कर सकदा बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग कहणगे शायद ना हाए वो तो जी उन्होंने खुश कर रहा। मैं अपीजमेंट दे विच बिलीव नहीं करता, मैं जिहड़ा रियलिटी रियलिटी है उन्हूं बयान कर देना चाहिए। एक ऑनेस्ट ओपीनियन ऑब्जेक्टिव ओपीनियन है, पंजाब की मैं गल कर रहा, टॉपिक पंजाब है, तो वह मैं गल करा कि पंजाब दे विच जिहड़ा है इन्होंने लश्करकशियां जिहड़ियां कराईयां ने, यानी चार चुफेरों जिहड़ा उधरों सिंधी बलोच बिठाते ने लिया के, अगर वो सिंधी और बलोच अपनी कौम अपने इलाके नूं कदी नहीं छड़दा, चाहे मर जाए परमानेंटली, मैं कह रहा अपनी धरती अपने लोगों नूं नहीं छड़दा, उन्हां नाल जुड़त रखता है। वो दो नंबर है जिहड़ा इत्थे आके कब्जे भी कर रहे, असिमिलेट होवो,
मेरी जुबान भी वरत रहे हो, मैनू कह भी रहे हो कि नहीं बाबा ये तो सराकिस्तान है, ये तो फलां है, और मेरी जुबान च मैनू कह रहे हो कि इतों निकल जा, ये कैसा है? यानी मैं बरोई बलोची खितरानी जा मोटी लासी जिन्हों कहे वो मैं किसी कह के बलोच बलोच इलाका नहीं बलोचस्तान इतों निकल जाओ, की जज्बात होंगे उन्होंने, या सिंध विचों डायलैक्ट्स के उत्ते बेसिस के उत्ते मैं जाके कह दाँ कि नहीं ये सिंध नहीं है, ये जड़ा उमरकोट है, यह थर है, फलाना है, तो उत्ते मैं कोई सिंबल बना के कोई अजरक का कोई नवी शक्ल दे के मैं कहाँगा नहीं नहीं ए तो फलान इलाके की हिस्टरी। खालिस्तान और सराकिस्तान ये दोवें इंडियन और पाकिस्तानी स्टेट्स के उत्ते बैठे बांके दे प्रोजेक्ट्स ने, जिदे विच अगर सिंधी बलोच पंजाबी जिहड़ा भी जेन्युइन नेशनस का पार्ट एंड पार्सल्स ने अगर वो ये हिस्सा लेंदे ने ते वो असल दे विच एक बहुत वड्डी क्राइम दे विच पार्टनर बन रहे ने, जिदे विच अल्टीमेटली वो अपनी कौम की खुदकशी यानी दे आर गोइंग टू कमिट अ सुसाइड themselves। बहरहाल ये सानू समझना चाहिए और ये जड़िया कौमां दी पंजाब दी या बाकी कौमां दी भी जड़ी नैशनल यूनिटी उन्हां दी जड़ी इंटैग्रिटी है उन्हूं कायम रखना चाहिए है, होनी चाहिए है, और कौमां जड़ियां ने खुशहाल तदी होणगियां जे वो अपना अपने अपनियां लिमिट्स अपनियां बाउंड्रीज़ नूं समझण। ये नहीं हो सकता कि पंजाब दे विच सारे निक्के वड्डे कारोबार दे उत्ते अब्दाली दे लश्कर बह जाण, सानू खाई भी जाण, गालां भी कढ़ी जाण, और पंजाबी बाहरों तां लाशां चक के नसे ही, बाहरों तां उजड़े पुजड़े ही, पंजाब दे विच वी इहदी जरूरत ना होवे कि किसे नूं कह सके भी मियाँ तू कौन है, उहदी प्रोफाइलिंग करे कित्थों आया तू है कौन। और पंजाब दा जिहड़ा रूलर है जिहनूं कोट एंड कोट कालिया कहिंदे ने, लोग जिन्हों बांके डांगर कहिंदे ने, जिन्ना मर्जी कमा कमा के उर्दूआ बोले, मिर्जा गालिब ते इकबाल ते फैज पढ़ी जाए कुआएगा डांगर ही। तो इस तरीके ना जड़ा मैं अर्ज कर रहा सा कि जड़ा इत्थे धाड़ू है जड़ा अपने इलाके दे विच मैनू पानी भी पींदे आ सौ वारी देखदा पुछदा पुछ प्रतीत करता, उत्थे सैटल होकर कारोबार करना तो दूर की गल है। कोयटे दे विचों एजेंसियां ने रिपोर्ट दिती कि लोगों के घर के पठाणा ने चमन और कंधार तो जिहड़े रियल स्टेट दे बिजनेसिस और कर रहे सन उन्होंने थ्रैटनिंग लैटर सटे जदों बुगटी साहब नूं टारगेट किया गया, उस तो बाद जिहड़े हालात खराब हुए और लोग रातां दे विच अपनियां करोड़ां अरबां दियां जिहड़ियां जायदादां ने जिहड़ियां सेंट्रल जिहड़ा सिटी है उत्थे सन वो जायदादा औने पौने दामा च इन्हों फड़ा के तो नसा है। यानी कोयटे दे विच पूरियां पूरियां कॉन्स्टिटुएंसीज जिथों पंजाबी एम पी एम एन ए जितते सन वो खाली हो गई, और पंजाब चे आओ तो पंजाब दे विच फिरे बैठे हैं, इत्थे पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे, उत्थे सानू कह रहे ने अपने जिहड़ा इन्हां दा रीजन है उत्थे कह रहे ने सानू कुरान दी आयतां सुना रहे इन्हां दा आलम कि मुसलमान दा मुसलमान ते जान माल इज्जत जिहड़ा है हराम है, इस करके तुसीं इत्थों जाओ क्योंकि साडा ये हक है असीं इत्थे अपने बच्चे नूं तंगे। बिल्कुल ठीक है, तो पंजाब च किहदा हक है फिर? उत्थे आए ते अप्लाई नहीं हुंदी? पंजाब दे आलम नूं भी सोचना पएगा, सिंध दे विच बलोचिस्तान दे विच के पी दे विच किसी भी रिलीजियस पार्टी का किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का जड़ा उत्थे दा बलोच सिंधी पठान आलम है उत्थे दे कौमी कौमी शनाख्त कौमी हकूक कौमी वसायल जितने भी उहदी गल करता है और उत्थे दे सो कॉल्ड नैशनलिस्ट तो अगे वे ते पंजाब दा लैफ्ट ते हुण भी एस्टैब्लिशमेंट दी और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट दी दलाली च लगा है। पंजाब दी वंड जिस तरह मैं अर्ज़ की है दोबारा करवाने वास्ते पूरा गेम जड़ा इन्हें शुरू किया, चाहे इत्थे अवामी वर्कर पार्टी वाले होण चाहे ईवन हासे वाली गल है इत्थे पंजाबी दे नां ते कई तंजीमां बना के जिहड़े बैठे ने ओह हुण
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦੀ ਹਜਮਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਖਾਨ ਜੈ ਬੀਬੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸੋਚਣ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚ ਪਠਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ JUII ਵਾਲੇ ਸਿੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਸੁਮਰੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਕਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ PTM ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ। ਅਸਲ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਠਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ANP ਨੂੰ, ਪਸ਼ਤੂਨਖਵਾ ਮਿਲੀ ਵਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ PTM ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਨੀ UAE ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ UAE ਵਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਠਾਣ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਦੀਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸ਼ੁਜਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦ ਕਰਾਸ ਰੋਡਸ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। NFC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਦੋ ਕੌਮਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗਵਾ ਫਰੈਂਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਂਝ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।